दोस्तों नमस्कार, द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि मेरा अपना पूर्व जन्म और भविष्य क्या है, क्योंकि जब से मैंने पूर्व जन्म के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में डाला है तब से सैकड़ों लोगों ने मुझे ये पूछा है कि सर हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका अपना पूर्व जन्म और भविष्य क्या है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ही ये शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों करीब 3000 साल तक मैं अपने आप को देख पाया, उससे ज्यादा जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे जन्म हो। तो 3000 साल पहले दोस्तों मैं एक जंगल में वेद पढ़ाता था और उस समय मैं एक शिक्षक की तरह ही था, और जो मेरे शिष्य थे उस समय आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो इस जन्म में भी मेरे आसपास में कहीं कहीं पहुंचे हुए हैं और वो मुझे मिलते हैं और उनका मेरा लिंक जो है मुझे महसूस होता है। तो जिनके साथ हमारा प्रगाढ़ संबंध होता है वो हमारे साथ यात्रा जरूर करते हैं। और फिर 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के जमाने में भगवान बुद्ध के हजारों जो मंक्स थे यानी कि जो शिष्य थे उनके, उसके अंदर मैं भी एक बुद्धिस्ट था और मैं भगवान बुद्ध के साथ भी था, हालांकि मैं डायरेक्ट संपर्क में नहीं था, मैं उनकी भीड़ में वन ऑफ द मंक था और मैं भी काफी इस तरह के ध्यान वगैरह के प्रयोग करता था उस समय। और उसके बाद फिर 700 वर्ष पहले मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक राजा के यहाँ राजवैद्य था और राजवैद्य के रूप में मेरा बहुत सम्मान था और राजा मुझे बहुत मतलब रेस्पेक्ट करता था और काफी उसने मुझे सम्मान के साथ अपने राज्य में रखा हुआ था। तो ये अनुभव मेरे अभी तक पूर्व जन्म में मुझे देखने को मिला। और फिर 300 वर्ष पहले मैं एक मुस्लिम लेखक था नॉर्थ इंडिया में ही, और काफी शायरी और लेखनी वगैरह करता था, तो उर्दू जो है मेरी लैंग्वेज थी उस समय, तो मुस्लिम के रूप में भी मैंने अपने आप को देखा। और उस समय काफी मेरे ख्याल से मुगल काल का कोई जमाना रहा होगा, क्योंकि जिस तरह का बाजार और मैंने घर का माहौल देखा था वो सब उसी जमाने के मुझे महसूस हो रहे थे। और उसके बाद में 200 वर्ष पहले मैं दक्षिण भारत के किसी बहुत बड़े मंदिर में मैं एक पुजारी था वहां पर, और सर्वेश्वरानंद मेरा ऐसा कुछ नाम था उस समय, और काफी पंडित के रूप में भी मेरी बहुत अच्छी प्रख्याति थी उस समय। तो ये चीजें मैंने करीब 200 साल पहले देखी। और उसके बाद में 1930 के अंदर मेरा जो इमीडिएट जो मेरा फर्स्ट पास लाइफ है वो अलवर और जयपुर के बीच में कोई एक जगह है जहां मेरा बहुत बड़ा एक आश्रम था, और उस आश्रम में मैं स्वामी परमानंद के नाम से जो है वहां पर मैं रहता था, और मेरे काफी मेरे शिष्य भी थे उस समय। और करीब 1945 में 102 साल की उम्र में जाकर मेरी उस समय डेथ हुई थी, और उसके बाद में फिर मेरा ये जन्म हुआ। और इस जन्म में आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारी जो मेरे अंदर जो बचपन से मैंने मेरी जो वासनाएं आकांक्षाएं कमियां जो मैंने महसूस की, तो मैं ऐसा देखता रहा कि मेरा आज का जो स्वभाव है, आज का जो मेरी आदतें हैं और मेरा जो आकर्षण है वो किसके कारण है। तो दोस्तों मैंने ये अनुभव किया, ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी अतृप्त इच्छाएं कैसे या वासनाएं हमें कैसे जो है इन सब चीजों में अपने आप डाल देती है। पिछले जन्म में दोस्तों चूंकि मैं एक साधु था और मुझे खाने पीने का जो है बहुत कंट्रोल करना पड़ता था,
हालांकि अंदर से खाने की इच्छा होती थी, लेकिन मैं चूंकि मैं साधु हूँ, मैं गुरु हूँ और सबके सामने मैं खा नहीं सकता था, तो मेरे अंदर जो इच्छाएं होती थी मैं उसको दमित कर देता, यानी कि दबा देता था। तो उसके कारण जब मैंने ये देखा कि जब मैं इस जन्म में, जब मेरा जन्म हुआ, तो मैंने एक आध्यात्मिक परिवार को चुना जहाँ मेरे पिताजी बहुत बड़े साधक थे। मैंने उनके यहाँ पे जन्म लिया क्योंकि शायद मेरे उनके साथ संस्कार कुछ जुड़े हुए थे। तो बचपन से ही मैं खाने पीने का इतना भयंकर खतरनाक शौकीन था कि मैं खाने पे टूट पड़ता था और बहुत खाता पीता रहता था, चटोरा हो गया था एक प्रकार से। और जब तक 25 साल की उम्र में जाकर मेरी किडनी खराब नहीं हुई, तब तक मैं इसी तरह खाता रहा, पीता रहा। तो ये चीजें मैंने अपने आप पे अनुभव की कि मेरे जीवन में मैं खाने पीने का इतना शौकीन क्यों बन गया। तो मुझे पता चला कि ये सब मेरे पिछले जन्म के कुछ जो कर्म है या वासनाएं हैं, अतृप्त अधूरी वासनाएं, वो मेरे साथ चलती चली जा रही है। फिर मैंने देखा कि पूर्व जन्म में चूंकि मैंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया था, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण जो है मेरे अंदर, मैंने सेक्स को समझ के नहीं मैंने उसको रोक के रखा था, मैंने उसको जबरदस्ती दमन करके रखा था। यानी कि एक होता ना कि भाई सेक्स को आदमी गहराई से समझ गया तो वो उससे मुक्त हो गया, तो मैं एक्चुअली मुक्त नहीं हुआ था। मैंने जबरदस्ती संयम, खान पान और ब्रह्मचर्य और साधना, ये सब जबरदस्ती करता था। तो चूंकि मुझे कुछ पाने का शौक था या कुछ, चूंकि मैं बाबा भी था तो लोगों के सामने मुझे करना भी था, तो इस तरह की चीजें मैंने देखी। तो इस जन्म में तो सेक्स के प्रति भी एक आकर्षण मेरा बहुत जबरदस्त बचपन में रहा, लेकिन शादी के कारण जो है इस जन्म में, जो पिछले जन्म में शादी नहीं थी मेरी, तो शादी के बाद जो है वो मेरी सेक्स के प्रति जो प्रवृत्ति है वो मेरी काफी धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती चली गई। और मेरा जो खाने का भी जो शौक था वो भी समय के साथ साथ मैं फिर एकदम समाप्त होता चला गया और मैं बहुत ऊंचे और सात्विक आहार की तरफ आ गया। और सेक्स भी मेरे लिए फिर बहुत एक प्रकार से पूजनीय हो गया और अब वो मेरे लिए वासना का विषय नहीं रह गया। तो इस तरह से ये दो चीजें जो मैं इस जीवन में जो है बड़े आराम से जीत पाया। और मैंने ये भी देखा कि जो जो ज्ञान मैं आज तक कई सालों से अर्जित करता आ रहा था, वैद्य के रूप में, बुद्धिस्ट मंक के रूप में, वेद आचार्य के रूप में, ये सब या पुजारी के रूप में, ये जितनी भी चीजें मैंने कई जन्मों से जो अनुभव की, तो आज मेरे अंदर जो आध्यात्मिक जो एक रुझान है या मैं आध्यात्मिक जगत में कुछ काम कर पा रहा हूँ और जो बातें मैं आपको शेयर करता हूँ या मैं कुछ कई तरह के ज्ञान की बातें मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो ये ज्ञान कोई मेरा इस जन्म का अर्जित नहीं। मैं बता दूं आपको, मैं खुद नहीं जानता कि ये ज्ञान मेरे अंदर कहाँ से फूट फूट के बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सदियों से हम जो भी संस्कार ज्ञान के रूप में या किसी भी रूप में अर्जित करते हैं, तो वो हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे अचेतन मन में, हमारी गहराइयों में कहीं कहीं अंकित रहते हैं कि जब समय आता है और कोई उत्तेजना मिलती है तो वो अंदर से फूट के बाहर आने लग जाता है। तो इस तरह से आज हम, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे हुआ जा रहा है। आई कैन से एवरीथिंग इज हैपनिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये सब चीजें मुझे धीरे धीरे काफी अब समझ में आने लगी है कि अल्टीमेटली मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए इस जन्म में मुझे जो एक आध्यात्मिक ऊंचाइयां पाने की जो मेरी एक इंटरेस्ट थी पिछले जन्म की, वो इस जन्म में मेरी रेकी जगत में ज्वाइन करने के बाद में, मैं परामानसिक क्षमताएं, इन सब विज्ञान को जानने के कारण मैं अब और काफी धीरे धीरे इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने की कोशिश करता जा रहा हूँ। तो इसका कारण ये है। लेकिन मुझे दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि जब मैंने 100 साल के बाद, यानी कि मैंने 2115 में मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा। हालांकि मैं भारत में पैदा होऊंगा, मेरी आत्मा विदेश ट्रांसफर नहीं करेगी। तो मैंने क्या देखा कि मैं एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा बहुत बड़ा महल जैसा, मतलब एक पैलेस जैसा मेरा घर है और
और प्लस मेरा मेरे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हाउसेस है, जैसे आज ये टाटा के, अंबानी के या बिरला के, जिस तरह के परिवार के बिजनेस है, मैं उस रूप में अपने आप को देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने सोचा कि यार मैं तो इतने सालों से आध्यात्मिक जीवन की साधना करते हुए आ रहा हूँ और मैं आगे जन्म में जाकर मैं इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों बन गया। तो मुझे समझ में आया कि जिस तरह मैंने भोजन को दबाया, जिस तरह मैंने अपने सेक्स को दबाया, तो उसके कारण वो वासना जो है मेरी पूर्ण नहीं हुई, अतृप्त रही, तो इसलिए उसने मुझे वापस इस जन्म में लाकर इस तरह का जीवन मुझे दिया कि एक सामान्य परिवार में लाकर मुझे पैदा किया। तो एक ऐसे गरीब घर में पैदा किया मुझे दोस्तों, कि बचपन से एक धन समृद्धि ये सब पाने की जो आकांक्षा जैसे हर व्यक्ति में होती है, वो मेरे अंदर भी जो बड़ी प्रबल रही कि यार दुनिया में आए हैं तो आई मस्ट बिकम रिच, आई मस्ट डू समथिंग बिगर इन माई लाइफ। तो ये चीजें मेरे अंदर धन और समृद्धि पाने की और समृद्धि की ऊंचाइयां छूने की मेरे अंदर इंटरेस्ट तो रही, लेकिन मेरे अंदर चूंकि 90% मेरा आध्यात्मिक मिजाज होने के कारण मैं मिशनरी वर्क ज्यादा कर पा रहा हूँ और बिजनेस में अपने आप को डाल नहीं पा रहा हूँ, बल्कि बिजनेस में डालने के लिए अंदर सोचता भी हूँ कि मैं समृद्धि के लिए कुछ करूं, लेकिन मेरी आत्मा उस तरफ जल्दी जाने नहीं दे रही है और वो तड़प जो है अंदर से मुझे भी समृद्धि की ऊंचाइयां छूनी है। मैं चाहता जरूर लेकिन मैं कर जा नहीं पा रहा हूँ उस तरफ। तो यानी कि एक जितनी इस जन्म में चाहिए वो तो मैंने प्राप्त कर ली है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि समृद्धि की भी बहुत सारी ऊंचाइयां होती है, तो वो ऊंचाई को मैं नहीं छू पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा मिशन चूक जाएगा, जो मैं रेखी का मिशन लेके दुनिया में चल रहा हूँ जगाने के लिए, वो मेरा मिशन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं किसी भी व्यापार में कहीं पर भी अपने आप को डाल नहीं पा रहा हूँ, यानी कि क्योंकि कोई भी चीज में हाथ डालो तो फिर पूर्णता के साथ उसके साथ जुड़ना पड़ता है और वो समय मेरे पास में नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जो वो अधूरी प्यास है शायद वो अगले जन्म में मेरी पूरी होगी, जब मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगा और मैं धन की उस पराकाष्ठा यानी कि उसकी उस ऊंचाई को, पीक को जब मैं भोग लूंगा, तो मुझे लगता है कि शायद मैं फिर धन से भी मुक्त हो जाऊंगा। तो दोस्तों, वो आहार से मुक्त हो गया, सेक्स से मुक्त हो गया, और नाम और ये नाम यश सब इससे मुक्त हो गया दिमाग से। अब एक मुक्ति मेरी बाकी रह गई थी, वो है धन और समृद्धि। तो इसीलिए शायद मेरी उस आकांक्षा या मेरी अंदरूनी छुपी हुई वासना ने मुझे लगता है कि अगले जन्म में मुझे आध्यात्मिक जगत में न डालकर मुझे किसी व्यवसायिक जगत में डाल दिया। और ये भी एक मजेदार बात है कि मैं धन की इतनी ऊंचाइयों को छूंगा 2115 के अंदर कि फिर मेरा धन के प्रति मेरा आकर्षण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं उस समय भी जब धनी बनूंगा तो मैं बहुत विश्व कल्याण के लिए काम भी करूंगा और बहुत डोनेशन वगैरह भी दे रहा हूं, ये सब मैंने उसमें अनुभव किया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समृद्धि के साथ मेरा आध्यात्मिक जो गुण है वो कहीं ना कहीं मेरा काम आ तो रहा है। तो जब वो जीवन 2115 में जब मैं समृद्ध जीवन जी पाऊंगा, धन की पराकाष्ठा देख लूंगा, जो मेरा आगे का जीवन है वो फिर और बेहतर आध्यात्मिक प्रगति की तरफ है। मैं थोड़ा अध्यात्म के जगत में मैं और ऊंचा उड़ जाऊंगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऊंचा उठने के लिए आपको आहार, सेक्स, धन समृद्धि, नाम, अहंकार, इन सब से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तभी हम उस एक शुद्ध ऊंचाई को, जो कहते हैं ना परम शुद्ध चेतना की तरफ, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये जो लेयर है हमारे ऊपर, ये जब तक समाप्त नहीं होते, हमारी वासनाएं समाप्त नहीं होती, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, हमारे अहंकार समाप्त नहीं होते, और ये जो मैं मेरापन जो आपके अंदर चलता है ये समाप्त नहीं होते, तब तक दोस्तों हम शायद उस परम शुद्ध चेतना का जो अनुभव है, या जिसको हम निर्वाण या हम केवल भी कहते हैं, शायद उस अवस्था को हम तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और जन्म लेने के बाद में मेरी और, हालांकि उसमें भी मैं एक वापस आध्यात्मिक गुरु के रूप में ही आ रहा हूँ और मेरे बहुत बड़े लाखों शिष्य जो है उस समय है, ऐसा मैंने एक अनुभव किया है। तो वो अभी मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि इस अगले जन्म के बाद में मेरा आगे का जो भविष्य है वो मेरे आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंचाई पे मुझे लेके जाने वाला है और मुझे पूरी दुनिया में जो है उस समय वो मुझे फैलाने वाला है। तो ये सब चीजें मैंने अपने पूर्व जन्म में जाकर देखा है।
तो बहुत सारे सबक भी मुझे मिले हैं दोस्तों पूर्वजन्म से। मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि मेरे जीवन में जिन जिन लोगों के मान लीजिए कि मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, अनजाने अनजाने में मैंने किसी को इंसल्ट की थी, मैंने किसी को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, तो इस जन्म में वो मेरे साथ वापिस आए और उन्होंने मुझे वो दुख पहुंचाया और उसके बाद वो एक सर्टन समय तक मेरे साथ रहकर वो फिर मेरे से जुदा हो गए। तो मैंने ये देखा है कि जो जो कर्म किए हैं उसका फल, चाहे मैं दुनिया में कितना ही बड़ा गुरु बन जाऊं, मैं कितना बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, मैं कितना भी ऊंचाई पे बुद्ध बन जाऊं, मेरे कर्म जो है मुझे काटने ही पड़ते हैं। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम इसलिए कर पाया क्योंकि मैं इस सत्य को जानता था कि जो हो रहा है सब कुछ नियम से हो रहा है, तो इसलिए मेरे अंदर कोई बेचैनी या परेशानी या कोई चिपकाव या दुख या तनाव नहीं था, बल्कि मैं इसको हंस के मजे से ले रहा था क्योंकि सब कुछ तो नियमबद्ध है, तो मैं क्या शिकायत करूं, किससे शिकायत करूं। नीम में से नीम निकले तो कैसे कहूं कि नीम कड़वा क्यों निकला, आम में से आम निकला तो कैसे कहूं कि मीठा क्यों निकला, सब कुछ नियमबद्ध है। तो दोस्तों, एक बार जीवन में पूर्व जन्म में जरूर जाएं और पूर्व जन्म ने जितना मुझे आत्मज्ञान की तरफ ढकेला है, जितना मुझे ज्ञान दिया है, मेरे सामने सत्य एकदम स्पष्ट किया है, उतना शायद मैं सारे वेद उपनिषद ग्रंथ गीता भी पढ़ लेता ना तो वो बुद्धि के स्तर पर तो ज्ञान होता, लेकिन मेरा वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब मैं स्वयं पूर्व जन्म में जाकर जब अपने पूरे जीवन को भविष्य में, पास्ट में और भविष्य में अपने आप को बिल्कुल एक सैटेलाइट की तरह देख कर आया, तो अब मुझे मन में पूरी तरह रिलैक्सेशन है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कोई मृत्यु का अब डर नहीं रह गया, क्योंकि मैं जान गया कि वैसे तो मेरी बहुत लंबी उम्र है, बता देना चाहता हूँ वैसे मैं, लेकिन मृत्यु का डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कितने जन्मों में, इतने कम से कम मैंने आपको अभी 7-8 जन्म बताए मेरे, तो 7-8 जन्मों में मैंने कितने अलग अलग रूप में मरता रहा हूँ और मैं मर मर के जो है इस जन्म में आ गया हूँ, फिर इस जन्म में मर जाऊंगा तो फिर अगला इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगा, तो मैं कितने शरीर धारण करता रहा हूँ, इसलिए मृत्यु का डर नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं तो एक सोल जर्नी पे हूँ, मैं तो यात्रा पे हूँ और यात्रा में मुझे सब कुछ मिलने वाला है। और एक बात जो दोस्तों पूर्व जन्म जाने से मुझे और जो फायदा हुआ कि आज मैं जिस परिवार में जी रहा हूँ, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे उनके साथ में कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट का मतलब कई लोग समझते हैं कि अरे ये बाप हो के ऐसी बातें करता है, नहीं दोस्तों, जागरूक व्यक्ति ऐसे ही बात करेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को सोल ट्रैवलर की तरह अपने साथ देखता हूँ। ये आत्माएं हैं जो कई जन्मों से पता नहीं किन किन घरों में माँ बाप बनाते हुए इस जन्म में उन्होंने हमें चुना है, और जो हमें भी चुना है तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि मेरे परिवार में जो थोड़ा आध्यात्मिक जो रुझान है उसके कारण एक आत्मा मेरे साथ में आई है, और एक आत्मा जो मेरा लड़का है वो एक पिछले जन्म में कोई व्यवसायी था, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो इनके साथ अटैचमेंट इसलिए नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये अटैचमेंट मेरे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? कितने जन्मों में मैं ऐसे कितने बेटा बेटी छोड़ते हुए आ रहा हूँ, इस जन्म में ये लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मिल गए हैं, मेरे और ये मेरे मेहमान की तरह है, मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं इनको आदर करूंगा, और फिर ये धीरे धीरे अपनी यात्रा पे कहीं और निकल जाएंगे और मैं अपनी यात्रा पे कहीं और निकल जाऊंगा। तो इसलिए मैं किस चीज का अहंकार करूं, किस चीज को, किसको अपनी जायदाद समझूं, सब तो अपनी अपनी यात्रा पे सब लोग घूमे जा रहे हैं। मेरे जो दोस्त मित्र भी है उनको मैं जानता हूं कि वो भी सोल ट्रैवलर है, इस जन्म में मुझे मिल गए हैं, तो कोई अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज का। हाँ, ये जरूर है जो बड़ी अनोखी बात है कि मेरी जो पत्नी है वो कम से कम मेरे, जैसे कहते हैं ना 7 जन्मों का साथ रहे, तो आपको जानकर के हैरानी होगी, कम से कम वो मेरे साथ 5 जन्मों से वो मेरे साथ में है, 5 जन्मों से वो मेरे साथ चली आ रही है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया था कि मैं बीच में बहुत सालों पहले गुजरात में भी पैदा हुआ था, ये भी मैंने अपने आप को देखा था लेकिन मैं उतना क्लियरली नहीं उसको जान पाया। तो इस तरह से ये सब जो जीवन में घट रहा है वो सब बड़ा नियमबद्ध है, तो इसलिए मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ और मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ
कि वो इस तरह की जीवन इस तरह का जीवन हमें दे रहा है और अब इसको बगीचा बनाऊं कि मैं इसको रेगिस्तान बनाऊं कि मैं इसको कब्रिस्तान बनाऊं, अब ये चुनाव तो मुझे करना होता है, तो मैं तो बहुत अच्छा चुनाव करके अपने जीवन को जितना ऊंचा उठा सकता हूँ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आशा है मैंने आपको बोर नहीं किया, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म था, तो कई लोगों ने चूंकि पूछा है इसलिए मैंने आज इसको शेयर किया है। तो आप आशा है आपको आनंद आया होगा। मैं फिर मुलाकात करूंगा अगला वीडियो लेकर। एक और क्वेश्चन लोग काफी पूछते हैं कि सर आपका अपना खान पान क्या है, आप दिन भर कैसे अपना हेल्थ का रूटीन रखते हो, तो प्लीज हमें गाइड करें। तो मैं एक बार उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा। ओके चलिए फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।